औरैया जनपद के भाग्यनगर ब्लॉक के अटा गांव के रहने वाले किसान गौरव मिश्रा युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। केले की खेती करके गौरव मिश्रा 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन में जब शहरी लोगों के हाथों से रोजगार छीन रहा था, तब गौरव मिश्रा ने नौकरी छोड़कर खेती करने का विचार किया और आज उनकी मेहनत और लगन से गांव के अन्य युवा भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गौरव मिश्रा ने बताया, धान और गेहूं की फसल में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था, जिससे उन्हें केले की खेती का आइडिया आया और उन्हें इसमें 3 से 4 लाख रुपये का मुनाफा भी हुआ। केला आम के बाद भारत की महत्वपूर्ण फल की फसल है। इसके स्वाद, पोषक तत्व और चिकित्सक गुणों के कारण ये लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। ये सभी वर्गों के लोगों का पसंदीदा फल है। यही कारण है कि इस फल की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। गौरव मिश्रा ने केले की खेती कैसे की, क्या परेशानी आई, क्या मुनाफा हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण वाजपेयी ने। आज मैं बात कर रहा हूँ औरैया जनपद के भागनगर ब्लॉक के अटा गांव की, जहाँ पर गौरव मिश्रा जो कि किसान हैं, उन्होंने पिछले कई वर्षों से केले की फसल को तैयार किया है और काफी अच्छे दामों में वो बेच रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि ये वह अटा गांव है जहाँ पर 5 एकड़ से अधिक जमीन पर केले की फसल को तैयार किया गया। साथ ही इस वक्त मेरे साथ किसान गौरव मिश्रा मौजूद है। आइएगा उनसे बात करते हैं कि इस केले की फसल में कितनी लागत आती है और इनको कितना मुनाफा होता है। आइए बात करते हैं। गौरव जी, मुझे ये बताइएगा, आपकी जो ये केले की आपने फसल तैयार की है, इस फसल में कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है? लगभग 70 से 80 हजार रुपए की लागत आती है 1 एकड़ की, और लगभग 1 एकड़ में 3.5 से 4 लाख रुपए शुद्ध बचत आ जाती है। अच्छा, ये आपने फसल कब से शुरुआत की है? ये लगभग हमको 4 से 5 साल हो गए हैं लगभग करते करते। वर्तमान में आपने कितने एकड़ की जमीन पर केले की फसल की है? लगभग 5 से 6 एकड़ की लगभग। अच्छा, आप क्या ये केला है ये तैयार होकर किन किन मंडियों में भेजा जाता है? कानपुर है, कानपुर मंडी में, इटावा मंडी में, अब तो यहीं से व्यापारी परिचित के हो गए तो यहीं से ले जाते हैं। अच्छा, केले की जो फसल है इसको किस मौसम में ज्यादा नुकसान होता है? सर्दी के मौसम में ज्यादा नुकसान होता है, वैसे अगर दवाई और देखरेख सही बनी रहे तो नुकसान ज्यादा नहीं होता। आपका जो ये अटा गांव है, आपके गांव में और कौन किसान है जो इस केले की फसल को करते हैं? और तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि आगे करने की सोच रहे हैं। तो आप मानते हैं कि केले की फसल में अच्छा फायदा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा फायदा है। जैसा कि आपने देखा, किसान गौरव मिश्रा का कहना है कि केले की फसल में उन्हें कम दाम में काफी अच्छा फायदा मिल रहा है और उन्होंने 5 एकड़ से अधिक जमीन पर केले की फसल को तैयार किया है। तेजस खबर के लिए कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ अरुण वाजपेयी।